प्राकृतिक खेती में लागत कम और उपज की कीमत ज्यादा है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, गिरजा शंकर मौर्य ने इसे साबित भी किया है। 34 साल के इस किसान ने नेचुरल फार्मिंग का शानदार मॉडल पेश किया है। गिरजा एक एकड़ से भी कम खेत में 14 फसलें उगाते हैं। इसके अलावा अपनी देसी गायों के लिए वो नेपियर घास और फूल के रूप में मनोकामनी को भी पैदा कर रही हैं। 2017 दिसंबर में एक प्रशिक्षण लेने के उपरांत मैंने प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती को शुरू किया। शुरू करते ही धीरे 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 करके एक एक फसल पे मैंने विचार किया और काम करना शुरू किया। आज जो मॉडल हमने बना करके तैयार किया उसमें अपनी जो भी फसलें हैं, जिसमें सब्जियां भी हैं, मसाले भी हैं और दलहन भी है और साथ में फल भी रहते हैं, इस तरीके से हमने जो अपनी खेती की उसमें फल के रूप में आम, अमरूद, केला और पपीता को लिया। साथ में जो हमारी सब्जियां रहीं उसमें परवल, कुंदरू, तरोई, लौकी, कद्दू आदि को बीच में सह फसल या मल्टी लेयर के रूप में आप कह सकते हैं मैंने किया। करने के उपरांत उसमें कुछ और चीज़ें जो समझ में आया कि क्या किया जा सकता है, तो उसमें हल्दी है, धनिया है और दाल के रूप में उसमें उड़द और मूंग को एक मल्टी लेयर सह फसल के रूप में मैंने खड़ा किया, जिसमें लगभग 12 से 14 फसलें एक साथ में हमारी पूरे साल के एक ढांचे के रूप में चलती हैं। इसके विषय में मैं बताऊं, ये मॉडल जो है इसमें लगभग कुल 14 फसलें हैं, जिसमें आम, अमरूद, केला, पपीता, हल्दी, धनिया और साथ में उसमें सब्जियों में परवल, कुंदरू, तरोई, लौकी और साथ में गाय के चारे के लिए नेपियर आदि, नींबू भी है साथ में। तो एक आदि एक पूरा एक मल्टी लेयर मॉडल बनाया। इसमें जो लागत की बात आप करें तो मेरे लगभग पूरे साल में अगर पूरे एकड़ को लेकर के चलें तो एक एकड़ में लगभग 80,000 रुपए की हमारी लागत आती है, और उसमें जो कुल आय की बात करें तो कुल हमारी लगभग 4,65,000 रुपए की पूरे साल में आमदनी होती है। और उस आमदनी को अगर हम पूरे अपने स्वास्थ्य पर और अपने परिवार को लेकर के चलें तो लगभग 6 से 7 गुने हमारी आय जाती है। इस मॉडल को गिरजा शंकर के गांव में हर कोई अपना रहा है, ये उनके गांव में खुशहाली का फॉर्मूला बन चुका है। इसने गांव वालों में जबरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा किया है। खास बात ये है कि सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती के लिए कई पुरस्कार भी गिरजा शंकर को मिल चुके हैं। तो ऐसी ही खेती किसानी की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।